करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो हिसार के अंदर वड़ा पाव की शॉप जो है खुल चुकी है। मैंने दो तीन बार यहाँ से निकली तो मैंने देखा, तो मैंने एक मैंने नाम सुना था दिल्ली में और एक मैंने पहली बार यहाँ हिसार में नाम सुना है वड़ा पाव। तो मैं वड़ा पाव बहुत शौक से खाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज भैया से मिल भी लिया जाए और साथ में वड़ा पाव भी हमने टेस्ट कर लिया जाए। तो देखिए गाइस, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। दो तीन के मैं नाम भी बता दूंगी। तो दूसरा है, एक तो है सिंपल जो है मुंबई वड़ा पाव, उसका रेट भी बता दूंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं भैया से ही मिलवाती हूँ, भैया ही बनाते हैं वड़ा पाव। कितने टाइम से शॉप है आपकी? ये अभी 2 साल से है। मुंबई में पहले बनाते थे। पहले कहाँ बनाते थे? मुंबई में। पहले मुंबई में बनाते थे गाइस। तो आप लोग भी यहाँ जरूर आइए, विजिट करिए और टेस्ट कैसा है और वैरायटी बता दो आप एक बार, कौन कौन सी वैरायटी है, दो चार का नाम बता दो। आमची मुंबई है, स्पेशल वड़ा पाव है, स्मोकी बारबेक्यू है, बहुत सारे है अभी, कम से कम 10-12 गो है अभी वैरायटी है। तो गाइस ये बता दूँ, कुछ महंगा नहीं है, बहुत सिंपल रेट है और 30 रुपये से शुरू हो जाता है और ख़त्म हो जाता है 50 रुपये तक लास्ट, और काफ़ी अच्छी मतलब मेन्यू है मैंने देखा है। तो गाइस आप लोग जरूर आइए और ज़रूर अपना टेस्ट करना। और सबसे पहले आप मेरे को सिंपल बना के दो, टेस्ट करेंगे हम आमची मुंबई वाला, ठीक है? तो बनाइए आप फिर हमारे लिए स्पेशल। तो गाइस मेरे लिए बन रहा है आमची मुंबई वड़ा पाव, मैंने दो तो सिंपल बनवाए हैं। एक मिनट भैया, पहले ये बता दो ये क्या है? भजिया। तो गाइस ये है कांदा भजिया है? कांदा भजिया, कांदा भजिया। तो गाइस जैसे आपने ये वाला से सिंपल तो ये होता है बर्गर में, वड़ा पाव में, ठीक है, बड़ा होता है ये बड़ा, तो वो है भजिया। तो कह रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं डलवाना है तो आप भजिया भी डलवा सकते हो। तो गाइस हाँ बनाइए। तो गाइज इतनी वैरायटी है, मुंह में पानी आ गया और अब टेस्ट करके आपको मैं जरूर बताऊंगी कि इसका क्या टेस्ट है। आशीष मैम जो बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बताओ कैसा है टेस्ट? सही लगा? तो फिर क्या कहना चाहोगे? आओ और खरीदो और खाओ। तो भैया आपने कुछ कहना है क्या? तो गाइज हमने टेस्ट करा है, बहुत ही यमी है और अगर रेंज भी है तो 30 रुपये का है, कुछ खास नहीं है। तो आप मतलब बहुत वैरायटी है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करिए। तो भैया जो है कह रहे थे पहले मैं बॉम्बे में बनाता था, तो अब हमने यहाँ शिफ्ट किया है। तो गाइस बहुत टेस्टी है, वाकई बहुत टेस्टी है। तो हमने तो खाया है और कितने 10-12 तरह के वड़ा पाव हैं, तो आप अलग अलग भी ट्राई कर सकते हो। मेरे सामने कई कस्टमर आए हैं, पैक करवा करवा के ही ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब टेस्ट है जब भी तो लेके जा रहे हैं। सामने भी, हाँ बिल्कुल सामने भी लिख रखा है परी परी वड़ा पाओ, दिल खुश वड़ा पाओ, नवाब वड़ा पाओ, हाँ नवाब वड़ा पाओ। तो ये नवाब में क्या करते हो? अच्छा स्पाइसी आ जाता है। तो गाइस इतनी वैरायटी है वड़ा पाव की, पोटैटो भजिया, अनियन भजिया, वड़ा प्लेट, काफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी भी है। कोल्ड कॉफ़ी भी बिल्कुल जेन्युइन रेट है गाइस, 40 रुपये की है। मिल्क शेक है, लस्सी है, नींबू पानी है, नींबू पानी सिर्फ 15 रुपये में है। तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा गाइस यहाँ पर आकर। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये देखें कि हिसार के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने की हैं। तो गाइस कुछ लोगों ने मुझे ऑफर भी दिया है कि हमारे साथ आकर आप वीडियोज़ बनाओ, पर मैंने उनको यही कहा है कि मैं सबसे पहले हिसार एक्सप्लोर करूँगी और हिसार में क्या क्या है आपको दिखाऊंगी। और गाइस आप लोग जरूर आना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा है वाकई।
ऐसे लग रहा है कि आज हम मुंबई पहुंच गए हैं, है ना। तो गाइज जहाँ पर हमने वड़ा पाव खाया है साथ में ही भैया दुकान का नाम तो बताओ, आपके मुंह से सुनेंगे आज हम। कालू लस्सी वाला। कालू लस्सी वाला? हाँ हाँ भैया, कालू लस्सी वाला हिसार हरियाणा। तो गाइज इतनी लस्सी फेमस है, इतनी लस्सी फेमस है कि मैं डेली बिकर जाती हूँ। भैया ने शायद आज ही देखा है मुझे, मैं डेली बिकर जाती हूँ, कोई दिन नहीं गया होगा मैंने लस्सी ना पी हो। तो आप कितने मतलब सालों से दुकान है, आप ही बताओ। हो गए करीब 25 साल के करीब हो गए। इतने साल हो गए हैं। तो गाइज हिसार में सबसे मशहूर लस्सी है कालू लस्सी, स्पेशल लस्सी। तो गाइज इतनी टेस्टी है, तो चलिए देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं। और भैया बोल रहे हैं कि 28 सालों से लस्सी है जो हम बना रहे हैं और लोगों को पिला रहे हैं, और लोग बहुत खुश होकर आते हैं। पूरे हिसार में लोग जो हैं काम छोड़ छोड़ कर आते हैं। आपने भी कभी टेस्ट की है क्या? तो हम हिसार एक्सप्लोर कर रहे हैं खाने और पीने में गाइस। तो आप सबसे पहले भैया देखते हैं कैसे लस्सी बनाते हैं, और जो स्पेशल है लस्सी के अंदर वो है ऊपर जो डालते हो भैया मलाई। तो चलिए आप दिखाते हैं भैया कैसे बनाते हैं। भैया आप कितने टाइम से पी रहे हो लस्सी? 10-15 साल से आ रहा हूँ। हाँ जी 10-15 साल से आ रहा हूँ मैडम। अच्छा इतने सालों से आ रहे हो, और कैसा है टेस्ट लस्सी का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो भैया ने आज भी लस्सी का गिलास भर रखा है गाइस। जब भी बैंक आते हैं जरूर आते हैं। अच्छा इधर ही बनानी पड़ेगी। तो गाइस भैया बना रहे हैं, और भैया ने इसमें जो है दही डाल दी है, और ये जा रही है इसके अंदर चीनी, और गजब का टेस्ट होने वाला है क्योंकि आज भैया खुद बना रहे हैं। ये बात भी सही है, घर पे नहीं बनती, ट्राई किया हुआ है। ये बात सही है भैया, हमने घर पे ट्राई किया लेकिन हमारे से नहीं बनी ये। आखिर हमें यही आना पड़ता है। उन्होंने भी बनाई। तो ये बात सच है कि हमारे से नहीं बनती है, पता नहीं भैया के हाथों में ही जादू है। भैया क्या जादू है हमें भी बता दो। तो इसमें खूब सारी जाएगी आइस, लस्सी में थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल दिया। तो वैसे रेट भी बता दो भैया, क्या रेट है? 50 रुपए का एक गिलास। तो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर आपने टेस्ट चेक करना है तो गाइस ज़रूर आओ। अब ये जा रही है मलाई। तो गाइस मैंने आपको दिखा दी है, और भाई किसी किसी के हाथ में भी टेस्ट होता है, तो वाकई भैया के हाथ में बहुत गजब का टेस्ट है। भाई लस्सी पिया तो हमने यहीं की पी है, मतलब बहुत जगह लस्सी पिया लेकिन है ना यहाँ का टेस्ट मैंने भी बहुत बार ट्राई की लेकिन वाकई नहीं बनी हमारे से। तो देखते हैं अब कैसा है टेस्ट। अब तो लस्सी बन चुकी है, बस गाइस आ रही है, उसके बाद आपको बताते हैं। वैसे मैंने बहुत बार पिया लेकिन आज दोबारा बताऊंगी कि वाकई लस्सी का टेस्ट कैसा है। तो गाइस भैया भी आ गए हैं। भैया बताना कितने साल हो गए आपको? 5-6 साल। और आप कहाँ से आते हो लस्सी पीने? मिलगेट से ही। ओहो देखो मिलगेट काफी दूर पड़ जाता है, भैया स्पेशल वहीं से आते हैं लस्सी पीने, और इतने सालों से लोग इनसे जुड़े हुए हैं।
तो गाइस ये आ गई है लस्सी और इसके अंदर है भर भर के मलाई, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ऊपर है मलाई और नीचे है लस्सी, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। तो गाइस लस्सी हमने पी ली है, बहुत ही यम्मी थी। तो आज आप देखना एक तो वड़ा पाव और एक कालू की मशहूर जो है लस्सी पी है हमने। तो आपको मैं बता दूँ, दोनों ही मस्त थे, दोनों की अपनी अपनी जगह, मतलब आप बाकी यही है कि आप टेस्ट करो और फिर बताओ आप। तो गाइस चलते हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इंस्टा पे मेरे को ज़रूर आप लाइक कर देना। इंस्टा पे मेरी आईडी है परवीन मलिक, तो आप ज़रूर गाइस फॉलो करिए।